वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री सॉल्व। और हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टीरियो केमिस्ट्री, इस चैप्टर को हमने शुरू किया था। ओके, तो ये चैप्टर जब हमने शुरू किया था तो आपने इंट्रोडक्शनरी लेक्चर तो देखा ही होगा। अगर देखा नहीं होगा तो मैं यहाँ पे जो लिंक है उसकी आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो आई बटन में जाके आप उसको देख सकते हो। मैं इस यहाँ पे वो इंट्रोडक्शन वाली लिंक भेज दूंगा। तो वहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं और फिर आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने देखा था पहले आइसोमर, कि आइसोमर क्या होते हैं। ठीक है, आइसोमर क्या होते हैं और आइसोमेरिज्म जो फिनोमिना होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हमने आइसोमेरिज्म देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आइसो मतलब क्या, सेम। ओके, आइसो मतलब सेम, मर मतलब पार्ट्स, हैविंग सेम पार्ट्स बट डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये आइसोमर के हमने टाइप्स देखे थे, ये दो टाइप में डिवाइड हो गया था लास्ट लेक्चर में। ओके, एक था स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल, और दूसरा था स्टेरियो आइसोमर, स्टेरियो आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो अब इसमें हमने जो देखा था तो वो हमने क्या क्या देखा था। हमने पहला देखा था चेन, जिसको और में न्यूक्लियर भी कहते हैं, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ओके, उसके बाद में हमने सेकंड इसमें क्या देखा था, चेन के बाद में इसमें देखा था हमने पोजिशन। ओके, थर्ड हमने क्या देखा था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और फोर्थ हमने देखा था चेन हो गया, पोजीशन हो गया, फंक्शनल हो गया, मेटामेरिज्म। और फिफ्थ वन जो हमने न्यू मतलब हमने लिया था वो था टॉटोमेरिज्म, जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है टॉटोमेरिज्म। ये इतना पार्ट हमने कवर कर लिया था, कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला। ठीक है, अगर देखा नहीं होगा तो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमने ये इतना देखा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। आपको आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पता है, आइसोमर मतलब क्या पता है, आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं ये पता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पता है। तो अब इसके बाद में था अपना स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेरियो आइसोमेरिज्म है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट स्टेरियो आइसोमेरिज्म, व्हाट इज मीन बाय स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वर्ड विथ यू, दिस इज द ग्रीक वर्ड एंड इट मीन्स, स्टेरियो मीन्स स्पेस, व्हाट इट मीन्स, स्पेस। तो अब आपके पास में कितने कितने वर्ड है, स्टेरियो मतलब है स्पेस, आइसो मतलब है सेम, और मर मतलब है पार्ट्स। अब आपके पास में ये तीन नए वर्ड्स आपको पता चल गए, कौन से, ये वाले, ये। ठीक है, तो ये तीन वर्ड जो आपको पता चल गए तो इसकी मीनिंग क्या है, और इन तीन वर्ड से हमारा क्या बनेगा अपना यहाँ पे डेफिनेशन। ठीक है, हमारी डेफिनेशन यहाँ पे बनने वाली है। तो अब सेम पार्ट्स रहेंगे बट डिफरेंट क्या रहेगा इसका, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ठीक है, तो हैविंग सेम पार्ट्स बट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, इसको हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है ये इतना पता चल गया होगा। स्टीरियो मतलब स्पेस, अब ये सब कुछ हम किधर देखने वाले हैं, स्पेस में। ठीक है, आइसो मतलब सेम, मर मतलब पार्ट्स, हैविंग सेम पार्ट्स बट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इन ए स्पेस इज कॉल्ड एज स्टेरियो आइसोमर्स, एंड द मॉलिक्यूल्स और एटम विच शो स्टेरियो आइसोमर द फिनोमिना इज कॉल्ड एज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये डेफिनेशन तो आपके बुक में है ही। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, पर यहां पे हम क्या क्या देखने वाले हैं ये हम आप देखेंगे।
ओके। तो अब हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की वो वहाँ पे डेफिनेशन देख ही ली थी और मैंने यहाँ पे अब वो लिख दी, जैसे कि मैंने आपको बोला स्टीरियो मीन्स स्पेस, आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स पार्ट। तो यहाँ पे अब ये डेफिनेशन कैसे बनेगी, वेन कंपाउंड पर से सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम मतलब आइसो, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन द स्पेस, देन द फिनोमिनॉन इज नोन एज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो अब ये स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो है, ये स्टेरियो आइसोमेरिज्म फर्दरली कैटेगराइज किया गया है। तो ये फर्दरली कैटेगराइज कैसे किया गया है, तो इसके तीन पार्ट्स पढ़ते हैं, स्टेरियो आइसोमेरिज्म के तीन पार्ट्स पढ़ते हैं। तो पहला वाला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा वाला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओके, और थर्ड वाला होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, तो इसमें से आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब है क्या, ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पे हम क्या क्या देखने वाले हैं कि भाई ये चीज है क्या, फर्स्ट। सेकंड, इसमें और एक चीज इंक्लूड की जाती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको हम कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम और क्या देखने वाले हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर, ये जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक CSIR, नेट, गेट, IIT जैम, JEE और एनी अदर एग्जामिनेशन, UPSC, जियोकेमिस्ट, ओके। एंड फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू स्टडी इट वेरी हार्डली, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हर जगह पे आएंगे, आपके एग्जाम में भी आएंगे, यूनिट टेस्ट में भी आएंगे, हर तरफ आएंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर होते क्या है और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हम कैसे चेक करेंगे, ये सभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब है क्या, अब हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक हम आए थे, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब है क्या, तो आपके बुक में जो डेफिनेशन है वो कुछ इस टाइप की है, द आइसोमर दैट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब ये डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ओके। तो ये डेफिनेशन से हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ये डेफिनेशन अगर समझनी है तो हमको कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये यहाँ पे हमको मेंशन किया गया है। तो अगर ये डेफिनेशन समझनी है तो आपको पता होना चाहिए लाइट के बारे में, किसके बारे में, लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट लाइट, कि भाई लाइट जो है वो कैसा चाहिए, लाइट जो है वो ऐसा चाहिए प्लेन पोलराइज, ठीक है। तो अब प्लेन पोलराइज मतलब है क्या, तो अब प्लेन पोलराइज लाइट हम देखने वाले हैं। तो प्लेन पोलराइज लाइट मतलब होगा क्या, तो अब जो ऑर्डिनरी लाइट होता है, ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, मैं अब आपको दिखाता हूँ वो ऑर्डिनरी लाइट कैसा होता है। तो सपोज यहाँ पे एक सेंटर है और ये सेंटर से मैंने यहाँ पे सेंटर में मैंने लाइट लगा दिया है, ठीक है। तो वो जो लाइट लगेगा तो उसके जो रेज है वो कुछ इस टाइप में ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी लाइट होगा कि भाई लाइट के रेज जो है, ठीक है, जो लाइट का वाइब्रेशन है, लाइट का फ्लो है, वो फ्लो ऑल डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ऑल डायरेक्शन में होगा, ऑल डायरेक्शन। ये कौन सा लाइट है, ऑर्डिनरी वाला,
ये कौन सा लाइट रहेगा? ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, तो अब ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये हर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैंने एक चीज से गुजारा जिसको हम कहते हैं प्रिज्म, और खास करके इस प्रिज्म को कहते हैं निकोल प्रिज्म। क्या कहते हैं? निकोल प्रिज्म। ठीक है, तो इस प्रिज्म से हमने ये लाइट को पास किया, तो यहां पे हमको जो लाइट मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। कैसा? तो ये जो लाइट का सेंटर है वो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आपको? ये था हमारा ऑर्डिनरी लाइट, इसको हमने पास किया निकोल प्रिज्म से। किससे पास किया? इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। यहां से हमने ये लाइट को पास किया, ये लाइट जब पास हुआ तो हमको रेज मिले। जैसे यहां पे थे ऑर्डिनरी लाइट के रेज ऑल डायरेक्शन में घूम रहे थे, वो सारे के सारे रेज अलाइन हो गए। कैसे हो गए? अलाइन एक ही डायरेक्शन में, या तो फिर ऊपर या तो फिर नीचे। इसको कहते हैं अलाइनमेंट ऑफ लाइन। ओके, तो अलाइनमेंट ऑफ लाइन हो गई, डायरेक्शन जो है सब लाइट की वो एक तरफ हो गई, तो ये फ्लोज इन वन डायरेक्शन। ठीक है, वन डायरेक्शन लाइट, वन डायरेक्शन में जा रहा है इसका फ्लो। तो जब ऐसा लाइट जाएगा, ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास करेंगे और वो वन डायरेक्शन में चला जाएगा, तो जब वो वन डायरेक्शन में जाएगा उसको कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। इसको क्या कहेंगे फिर हम? प्लेन पोलराइज लाइट। तो अब यहां पे, यहां से हमको क्या मिल सकता है? यहां से हमको प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है इसकी डेफिनेशन मिल सकती है। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या होगा? तो प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या, ये क्वेश्चन अगर आया पेपर में तो इसकी डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट मतलब है क्या? तो द लाइट विच फ्लोज ऑब्लिक वाइब्रेट, वाइब्रेट भी होता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या, आपको समझ में आ गया? तो प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या कि जिसकी एक ही डायरेक्शन हो, ठीक है, ऊपर हो या तो फिर नीचे हो, उस साइड हो फिर इस साइड हो, कौन से भी साइड में हो पर एक साइड में हो, एक ही डायरेक्शन होना मतलब क्या होगा? होना प्लेन पोलराइज। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी लाइट जो है इसको हम किससे पास कर रहे हैं? निकोल प्रिज्म से। तो ये निकोल प्रिज्म बनाया किससे जाता है? ये बनाया जाता है कैल्साइट से। किससे बनाया जाता है? कैल्साइट। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि निकोल प्रिज्म कैसे बनाया जाता है, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मेक निकोल प्रिज्म, देन योर आंसर शुड बी इट्स अ कैल्साइट। क्या होगा? कैल्साइट। ठीक है, तो अब हमने यहां तक देखा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा था प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज लाइट तक हम आ गए थे, उसके बाद में हमको ये पता चला कि भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कुछ होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब है क्या, अभी ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब है क्या? ठीक है, आपको ये दिख रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी लिखा हुआ, तो हमने देखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद में देखा प्लेन पोलराइज लाइट, अब देखने वाले ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि ये सारा का सारा फिनोमेना कहाँ पे है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए, और जो वो कंपाउंड होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, और जो वो फिनोमेना दिखाएगा उसको क्या, वो फिनोमेना क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या है कि प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है, कौन सा? प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट,
ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है उसको रोटेट करना, टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के जैसा या फिर घड़ी के अपोजिट अगर वो लाइट को घुमाता है, किस कौन सी लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो वो आइसोमर कहा जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। एक्टिव आइसोमर और ये फिनोमिनॉन को कहते हैं द फिनोमिनॉन कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा कौन, करेगा आइसोमर करेगा, जो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो वह, इसको हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, ये पहला पॉइंट, ठीक है। तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है तो वो आइसोमर को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब ये दिखाता कैसे है ये भी हमको देखना पड़ेगा कि भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा कैसे। तो पोलारोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वो चेक होता है, ठीक है। तो वो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह उसका एमएससी में रहेगा, तब देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब कैसे दिखेगी। तो अब ये आपका कौन सा लाइट रहेगा, ये रहेगा आपका प्लेन पोलराइज लाइट। क्या कहेंगे हम इसको, प्लेन पोलराइज लाइट। क्यों कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट, क्योंकि ये एक डिरेक्शन में फ्लो हो रहा है, या तो फिर ऊपर या तो फिर नीचे, ठीक है। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर मैंने राइट की तरफ, इस तरफ राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ अगर मैंने इसको रोटेट किया ऐसे, तो ये कैसे दिखेगा, फिर ये ऐसे दिखेगा, सब रेज ऐसे हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे, थोड़े तिरछे हो गए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा टिल्ट नजर आएगा। तो ये टिल्ट जब नजर आएगा तो उसको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये कुछ आइसोमर लिया, उसको रखा, वहाँ पे लाइट गिराया, वो लाइट था प्लेन पोलराइज लाइट, वो लाइट प्लेन पोलराइज था, तो उस आइसोमर की वजह से वो लाइट राइट की तरफ चला गया, तो इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। वैसे ही अगर मैंने वही आइसोमर, अगर दूसरा आइसोमर लिया उसका, और वो अगर वो लाइट को लेफ्ट, वो लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, ठीक है, कैसे, ऐसे। अब अगर आप देखोगे तो ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता हुआ आपको दिखेगा, तो ये जो टिल्ट है इसको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो जब ये राइट की तरफ मुड़ता है तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और जब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है तो उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है, लीवो रोटेटरी। तो ये डेक्स्ट्रो और लीवो क्या है, तो ये डेक्स्टर, ये लैटिन वर्ड है डेक्स्टर, इट इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है राइट की तरफ, मतलब होता है राइट। और लीवस, इसका मतलब होता है लेफ्ट की तरफ, मतलब डेक्स्टर मतलब राइट, इसलिए इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लीवस मतलब लेफ्ट, इसलिए इसको कहते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है। और ये वर्ड कौन से है, लैटिन वर्ड्स, ठीक है।
तो ये लैटिन वर्ड से ये हमको ये पता चल गया है कि ये लेफ्ट की तरफ अगर होगा तो इसको लीवो रोटेटरी कहेंगे, ये राइट की तरफ अगर रोटेट होगा तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। और यहाँ पे इसको और दिखाया जाता है प्लस के साइन में, किस साइन में? प्लस। और इसको दिखाया जाता है माइनस के साइन में, ठीक है। तो फिर अब आपको अगर बोला ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिनोमिना क्या है, तो आपको पता होना क्या चाहिए? प्लेन पोलराइज लाइट। तो आप क्या बोलेंगे? द ऑप्टिकल आइसोमर आर दोज विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर आर दोज विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। If the isomer is able to rotate, then it is optically active isomer. And the phenomenon shown by that isomer is nothing but optical isomerism. ठीक है, तो I hope आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। If you like this video, then please comment on it, like, share and subscribe to my channel Chemistry Solved. Thank you.